Assalamu alaikum learners, today we are going to start exercise 6.3 and I hope ke 6.1 or 6.2 aapne complete kar li hogi without any issue. So question number 1 start karte hain 6.6.3 ka, where you have to find your factorization techniques to find the square root. To question number 1 ka first part hai 4x square minus 12 xy plus 9y square. इसका आपने स्केयर रूट फाइंड करना है, और जैसे कि आपको पता है कि स्केयर रूट फाइंड करने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन का या नंबर का स्केयर होना लाजमी है. फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 का स्केयर रूट निकालें तो इट मींस कि वो 2 का स्केयर होना चाहिए. लाइकवाइज अगर 9 का स्केयर निकालते हैं तो वो 3 का स्केयर होना चाहिए. इसी तरह से जैसे 14 एक नंबर है, उसका आप परफेक्ट स्केयर नहीं निकाल सकते क्योंकि 14 किसी का स्केयर नहीं होता, इसलिए उसका आप स्केयर रूट भी नहीं निकाल सकते. इससे पहले कि आप स्केयर रूट लें तो आपने इसको एक कंप्लीट स्केयर बनाना पड़ेगा. तो 4x स्केयर होता है 2x होल स्केयर, इसे कंप्लीट करेंगे स्केयर. ये 3y होल स्केयर होगा, दरमियान में -2 फॉर्मूले का आएगा, और फर्स्ट ब्रैकेट 2x एंड सेकंड ब्रैकेट 3y. अब ये देखिए फॉर्मूला बन गया a स्केयर -2ab plus b स्केयर विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्केयर. तो इसको हम a की जगह 2x लिखेंगे और b की जगह 3y, जैसे कि मैंने फॉर्मूला पुट किया. तो यहाँ पे बनेगा 2x माइनस दरमियान वाले नंबर का माइनस आएगा, और 3y होल स्केयर. इस तरह से लेंगे तो ये एक परफेक्ट स्केयर बन गया, कंप्लीट स्केयर बन गया. एंड पे लिखना है अपने हैंड्स, इसको स्केयर रूट लिखें. ये एक प्रेजेंटेशन में आ जाएगा, बाकी आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये कर लेंगे तो प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी. 2x माइनस 3y होल स्केयर इक्वल्स प्लस माइनस 2x माइनस 3y. जब भी कोई एक्सप्रेशन स्केयर रूट से बाहर आएगा उसके साथ प्लस माइनस लगेगा, क्योंकि जो स्केयर रूट है वो एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है. मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है क्योंकि इसमें दो आंसर्स आ सकते हैं. ओके, इन द सेकेंड पार्ट एक्स स्केयर माइनस वन प्लस वन और फोर एक्स स्केयर वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ कंडीशन इसलिए दी गई है जस्ट कि अगर आप यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये इसका कोई आंसर नहीं आएगा. इस वजह से हमने यहाँ पे जस्ट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन दी हुई है, इसको आपने यूज़ नहीं करना. इसका स्केयर कम्प्लीट करना है, ये आ जाएगा एक्स होल स्केयर प्लस वन ओवर 2x होल स्केयर, दरमियान में ब्रैकेट लगाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे. टू फॉर्मूले का आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट इज एक्स एंड सेकेंड ब्रैकेट इज़ वन ओवर 2x. कि क्योंकि यहाँ पे दरमियान में माइनस है इसलिए 2 के साथ माइनस आएगा. अब आप वही देखें, वही वाला फॉर्मूला बन गया ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर इक्वल्स ए माइनस बी होल स्केयर. इसी तरह आपको प्लस का फॉर्मूला भी आ सकता है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, तो आप उसको डील कर सकते हैं. यहाँ पे a की जगह हम x लगाएंगे, दरमियान में माइनस है, और b की जगह 1/2x इसका होल स्केयर, और जो इसका एंड पे आपने आंसर जैसे पहले का लिखा है वैसे ही लिखना है. तो यहाँ पे एंड पे हमने लिख दिया हैंस द स्केयर रूट ऑफ द क्वेश्चन इक्वल्स द कंप्लीट स्केयर ऑफ x माइनस 1/2x होल स्केयर. और यहाँ पे स्केयर को कैंसिल नहीं करना, कटिंग शो नहीं करनी, जैसे आपने एट द एंड आंसर लिख लेना है विद द टू रूट्स प्लस माइनस एक्स माइनस 1/2x. ब्रैकेट लगाना नहीं भूलनी, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो है वो दो रूट्स देगा. अगर इसको ओपन करें आप तो एक प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ आएगा. कि पार्ट नंबर 5 भी फर्स्ट 2 पार्ट्स की तरह ही होगा, इसमें भी आपने स्केयर कम्प्लीट करना है. तो 4x6 जो है वो है 2x³ होल स्केयर, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करें 2 का स्केयर 4 होता है और एक्स क्यूब का स्केयर 6 होगा. इसी तरह लास्ट वाले टर्म को करेंगे तो यह बनेगा 3y³ होल स्केयर, दरमियान में क्योंकि माइनस है 2 फॉर्मूले का लगाएंगे, और फर्स्ट ब्रैकेट आएगी 2x विदाउट द स्केयर, जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिखना है, और सेकंड ब्रैकेट आएगी 3y³ ओवर. अब आपने ये चेक करना है कि जो आपने दरमियान में ब्रैकेट्स बनाई हैं क्या वो मल्टीप्लाई करके ये मिड वाला नंबर बनता है. अगर नहीं बनता तो फिर उसका प्रोसीजर डिफरेंट हो जाता है. यहाँ पे अगर आप देखें 2 2 टाइम 4 4 3 टाइम 12 होता है, तो यहाँ पे मिड वाला नंबर बन गया. इट मींस आप इसका स्केयर कंप्लीट करके लिख सकते हैं. यहाँ पे 9x4 को लिखेंगे 3x स्केयर होल स्केयर प्लस इसको लिखेंगे 4y स्केयर होल स्केयर, दरमियान में प्लस है इसलिए यहाँ प्लस डालेंगे, और यहाँ 2 फॉर्मूले का, और फर्स्ट ब्रैकेट इज 3x स्केयर
एंड सेकेंड ब्रैकेट इज फोर वाई स्केयर. इसको चेक कर लेते हैं, फोर थ्री टाइम 12 एंड 12 टू टाइम्स 24 एक्स स्केयर वाई स्केयर. इट मीन्स के फॉर्मूला कम्प्लीट हो गया. तो ये फॉर्मूला आपके पास ऊपर वाला फॉर्मूला बनेगा ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर ओवर, और ये बनेगा ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर. और ये फॉर्मूला इक्वल होता है ऊपर वाला ए माइनस बी होल स्केयर, और नीचे का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्केयर. तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हुए यहाँ पे हम ऊपर वाले में ए जो है वो टू एक्स क्यूब बनेगा, टू एक्स क्यूब दरमियान माइनस आएगा क्योंकि मिड वाली टर्म के साथ माइनस है, और बी की जगह आएगा थ्री वाई क्यूब होल स्केयर ओवर, नीचे फॉर्मूला लगेगा प्लस का क्योंकि मिड में प्लस का साइन है, थ्री एक्स स्केयर प्लस बी की जगह फोर वाई स्केयर होल स्केयर. इसको हम सिंगल स्केयर में भी लिख सकते हैं दोनों को, ए के ब्रैकेट में टू एक्स क्यूब माइनस थ्री वाई क्यूब ओवर थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर वाई स्केयर होल स्केयर. एंड हैंस द स्केयर रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, विल टेक द स्केयर रूट ऑफ दिस एंड द आंसर विल बी टू एक्स क्यूब माइनस थ्री वाई क्यूब ओवर थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर वाई स्केयर. ओके स्टूडेंट्स, इन पार्ट नंबर सिक्स आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है. सो ये आएगा एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस टू एक्स एंड वन ओवर एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्केयर इक्वल्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी माइनस फोर एक्स माइनस वन ओवर एक्स. अब यहाँ देखिए आपने, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉर्मूला स्केयर भी कंप्लीट नहीं हो रहा और फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा, तो ये बच जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस टू माइनस फोर एक्स माइनस वन ओवर एक्स. अब जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला ये एक्सप्रेशन है एक्स माइनस वन ओवर एक्स में, तो जो आपके पास यहाँ पे स्केयर कंप्लीट होना चाहिए वो भी एक्स माइनस वन ओवर एक्स का आना चाहिए. लेकिन यहाँ पे अगर x माइनस वन ओवर x बनाना है आपने, तो यहाँ पे आपको प्लस टू के बजाय माइनस टू चाहिए. तो क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू, एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे टू को, तो ये आएगा एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस टू. यहाँ पे हमने एड और सब्ट्रैक्ट करना है माइनस टू प्लस टू एंड माइनस फोर एक्स माइनस वन ओवर एक्स. अब आपने ये जो है ये आपने खुद से एड और सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि आपको क्या चाहिए, माइनस टू. अगर माइनस टू चाहिए तो आपको प्लस टू भी करना पड़ेगा. अब ये माइनस टू हम यूज़ कर लेंगे, इसका फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं, अरेंज एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस टू. ये वाला माइनस टू हमने यूज़ कर लिया, बाकी ये जो दो हैं ये एड अप होके प्लस टू ये आ जाएगा प्लस फोर, और ये जो है माइनस फोर एक्स माइनस वन ओवर एक्स ऐसे ही आ जाएगा. अब आपने क्या करना है कि ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी से एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल स्केयर, क्योंकि ए माइनस बी होल स्केयर बनता है माइनस फोर एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस फोर. अब आप देखें यहाँ पे हम फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट जो है वो आएगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल स्केयर और लास्ट आएगा प्लस टू होल स्केयर. जैसे हमने पहले फॉर्मूलाज कंप्लीट किए हैं वैसे ही बिल्कुल करने, और यहाँ पे दरमियान में आएगा माइनस टू क्योंकि दरमियान में माइनस है इसलिए फॉर्मूले का टू, और फर्स्ट ब्रैकेट आएगी एक्स माइनस वन ओवर एक्स और लास्ट ब्रैकेट आएगी टू. अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें टू टू टाइम्स फोर एंड एक्स माइनस वन ओवर एक्स, फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाता है. तो ये फॉर्मूला बनेगा ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर. सो फॉर्मूला पुट करते हुए यहाँ मैं फॉर्मूला देती हूँ, ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर इक्वल्स ए माइनस बी होल स्केयर. तो ए की जगह आएगा फुल एक्स माइनस वन ओवर एक्स, दरमियान में आएगा माइनस और बी की जगह आएगा टू इसका होल स्केयर. और जब इसका स्केयर रूट लेंगे तो लास्ट हमारे पास बचेगा प्लस माइनस एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू. इसकी जो ब्रैकेट है वो आपने ओपन नहीं करनी.
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट नंबर वन. यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. आपने अब पहले जो स्क्वायर रूट फाइंड किया है वो बाय फैक्टराइजेशन किया है. अब जो इसका सेकंड मेथड है कि आपने यूजिंग डिवीजन मेथड यूज़ करना है. तो देखिए यहाँ पे आपको डिवाइजर जो है दिया हुआ है, लेकिन डिवाइडेंड नहीं दिया हुआ. तो आपने वो बनाना है यहाँ पे, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते हैं, आप वहाँ पे नंबर का लेते हैं स्क्वायर रूट और उसको पेयर अप करते हैं, और इस तरह से थोड़ा सा मेथड रिवाइज करें तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा. 4x² प्लस, इसमें आपका जो यहाँ पे आपने बनाना है वो खुद से बनाना है, जो इसको डिवाइड करेगा ऐसा एक्सप्रेशन वो आपने खुद बनाना है. तो करना क्या है कि आपने फर्स्ट नंबर देखना है. डिवीजन में आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर देखना है. यहाँ पे 4x² है, तो ऐसे दो नंबर्स एक जैसे मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर 4x² आ जाए. मल्टीप्लाई आपने एक जैसे नंबर्स को ही करना है. तो 2x को अगर हम 2x से करें तो क्या बनता है, 4x², क्योंकि स्क्वायर रूट है. इट मीन्स कि आपने दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर स्क्वायर रूट बनेगा. तो यहाँ पे आपने 2x को किया 2x से, मतलब आपने जो कोशेंट है वो भी खुद बनाना है और डिवाइजर भी खुद बनाना है. 2x को 2x से किया तो 4x² आएगा. यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. बचेगा क्या, 12xy. जो बाकी एक्सप्रेशन बचेगा वो आपने राइट डाउन कर लेना है, 24y प्लस 16. द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि ये अक्सर भूला जाता है कि आपने जो आपका कोशेंट और डिवाइजर आया है उन दोनों को एडअप करना है. सो 2x प्लस 2x इज 4x, नॉट 4x², क्योंकि जो वेरिएबल है वो एडअप नहीं होता, कोशेंट्स एडअप होते हैं. अब 4x यहाँ पे आपके पास आ गया. यहाँ पे आप देखें पहला नंबर 4x है और यहाँ पे 12xy है. इट मीन्स कि आपने 4x को 12xy बनाना है. तो 4x को देखें, अगर आप किससे मल्टीप्लाई करें 4 को कि 12 बन जाए. नंबर पहला ही देख रहे हैं, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 12 बन जाएगा. और क्या कमी है, x है हमारे पास, y नहीं है. इट मीन्स हम y से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे. अब मैं जैसे कि मैंने आप पहले कहा, क्योंकि स्क्वायर रूट है इसलिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ ही इसको एडअप भी करेंगे, तो यहाँ पे 3y ऊपर भी आएगा. जैसे आपने पहले स्टेप में किया एक जैसे नंबर से, इसी तरह यहाँ भी एक जैसे नंबर से ऐड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है. अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 × 12xy. फोकस आपका पहला नंबर ही होना चाहिए, प्लस 3×3 × 9yy × y². तो यहाँ पे लिखेंगे 4x यहाँ पे, प्लस 3y एक यहाँ पे आएगा और एक 3y यहाँ पे आएगा. ये आई थिंक आपको समझ आ रही होगी कि मैं दो दफ़ा क्यों करी, क्योंकि एक आपने डिवाइजर में लिखना है और एक आपने क्वेश्चन में लिखना है. तो ये आएगा 12xy प्लस 9y² एंड चेंजिंग द साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अब उसी तरह जैसे पहले आपने किया था, अब 4x ऐड नहीं हो सकता 3y के साथ, तो आपने क्या करना है, 4x वैसे ही रहेगा और जो नेक्स्ट टू नंबर्स आपने अभी किए थे उन दोनों को एडअप करना है. 3y प्लस 3y इज 6y, ठीक है जी. तो आप क्या है, 4x प्लस 6y आपके पास है. और अब आपने यहाँ पे नीचे उतारना है 16x प्लस 24y प्लस 16. 4x प्लस 6y, अब आप देखें यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 4x, और आपको क्या चाहिए, 16x. तो यहाँ पे 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 16 बन जाए. ऑब्वियसली हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. और दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिससे हम मल्टीप्लाई करना है उसको ऐड भी करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट फोकस रखते हुए 4×4 × 16x प्लस 4×6 × 24y प्लस 4×4 × 16. तो यहाँ पे आपने प्लस 4 यहाँ पे एक रखना है और एक प्लस 4 ऊपर क्वेश्चन में रखना है. तो ये आ जाएगा 16x प्लस 24y प्लस 16 एंड चेंजिंग द साइन विल गेट द आंसर रिमाइंडर 0. द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 2x प्लस 3y प्लस 4. कैसे आया, जो आपका ऊपर कोशेंट बनेगा वो आपका स्क्वायर रूट आएगा, और इसके साथ आपने प्लस माइनस लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना. ओके, इन पार्ट नंबर टू
द एक्सप्रेशन इज एक्स फोर माइनस टेन एक्स क्यूब प्लस 37 एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एक्सप्रेशन, द फर्स्ट वेरिएबल इज एक्स फोर। तो एक्स फोर को बनाने के लिए आपने कौन से ऐसे दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने के एक्स फोर आ जाए और वो होने भी सेम चाहिए। सो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स फोर। तो एक एक्स स्क्वायर आप यहाँ रखेंगे और एक एक्स स्क्वायर ऊपर रखेंगे तो ये एक्स फोर हो जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है कि ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस टेन एक्स क्यूब प्लस 37 एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। और अब आपने क्या करना है कि जो आपने मल्टीप्लाई किए थे उन दोनों को अब ऐड अप करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर आपके पास आ गया है, इसको आपने बनाना क्या है, माइनस 10x क्यूब। तो 2 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से। 2 को 10 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। और एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। अब क्योंकि माइनस 5x के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 5x हम यहाँ भी लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 10x क्यूब माइनस माइनस प्लस 25x स्क्वायर। सो यहाँ पे एक माइनस 5x यहाँ लिखना है और एक माइनस 5x यहाँ लिखना है, तो ये बन जाएगा माइनस 10x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर। 37 माइनस 25 करेंगे तो विल बी 12x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। एंड बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप यू विल ऐड अप द टू नंबर्स जस्ट मल्टीप्लाइड, 2x स्क्वायर माइनस 5x एंड 5x इज 10x। सो अब जो आपके पास एक्सप्रेशन बना है इसको आपने एक साइड पे लिख लेना और इसको फर्स्ट नंबर को यहाँ पे आपने ये वाला फर्स्ट नंबर बनाना है। तो 2x स्क्वायर को 12x स्क्वायर बनाने के लिए 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है इससे एक्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे प्लस 6 लगाएंगे क्योंकि हाँ यहाँ भी हमने प्लस 6 लगाया। मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36 आ जाएगा। एक यहाँ प्लस 6 लगाएंगे और एक ऊपर लगाएंगे प्लस 6, तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। एंड चेंजिंग द साइन यू विल गेट द फाइनल आंसर, द रिमाइंडर इज 0। सो द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 विद द प्लस एंड माइनस साइन, दिस इज द आंसर। द फिफ्थ पार्ट इज हियर, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स ओवर वाई प्लस 27 माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ जाता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। तो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर बनाना है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एक्स ओवर वाई को एक्स ओवर वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो एक एक्स ओवर वाई यहाँ पर आएगा, एक एक्स ओवर वाई ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। और यहाँ पर इसको आप कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 10 एक्स ओवर वाई प्लस 27 माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। जो बाकी एक्सप्रेशन बचेगा वो आपने नीचे लिख देना है। अब एक्स ओवर वाई प्लस एक्स ओवर वाई इज 2x ओवर वाई। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 2x ओवर वाई यहाँ पे लिखेंगे और अब आपने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है कि आपका माइनस 10 एक्स ओवर वाई बन जाए। तो एक्स ओवर वाई तो आपके पास मौजूद है तो 2 को जस्ट 10 बनाना है, तो 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस 5 लगाएंगे, यहाँ भी माइनस 5 लगाएंगे क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी से ही हमने दो नंबर्स एक जैसे लेने हैं। 5 टू टाइम्स ये माइनस 10 एक्स ओवर वाई आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस 25। तो यहाँ भी क्या करेंगे आप, एक यहाँ माइनस 5 लगाएंगे, एक ऊपर माइनस 5 लगाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 10 एक्स ओवर वाई प्लस 25। एंड चेंजिंग द साइन यू विल गेट 27 माइनस 25 इज 2 माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। सो अब यहाँ भी आएगा, ये वैसे ही आ जाएगा 2x ओवर वाई, और ये जो आपने दोनों मल्टीप्लाई किया अभी इन दोनों को प्लस करना है, माइनस 5 माइनस 5 इज माइनस 10
ये वैसे ही आ जाएगा, और अब एक न्यू नंबर आपने लेके आना है। आपका जो एक्सप्रेशन बना है वो बना है 2x और y माइनस 5। अब आपने इस 2 को बनाना क्या है, 2x और y को आपने 2 बनाना है। आपके पास जो है वो 2x और y है, लेकिन आपका रिक्वायर्ड जो है वो नंबर वो 2 है। तो अब इस x और y ख़त्म कैसे करना है, इसको ख़त्म करने के लिए आपने इसके उलट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स और वाई को अगर आप वाई ओवर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी वाई ओवर एक्स है और ये भी वाई ओवर एक्स से करेंगे। तो जब 2x और y y over x से, जैसे यहाँ पे देखें x और y को y over x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y y से कैंसिल, x x से कैंसिल, तो आपके पास क्या बनेगा, जस्ट 2 बचेगा। और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस दिस वन वाज 10 माइनस 10 y over x प्लस y over x को y over x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y square over x square। तो इससे मल्टीप्लाई किया y over x से, तो यहाँ पे एक y over x यहाँ पे आ जाएगा और एक y over x ऊपर क्वेश्चन में चला जाएगा। ये आंसर हमारे पास जो बना था वो बना था 2 माइनस 10 y over x प्लस y स्केयर ओवर x स्केयर। तो ये आप देखेंगे आपका जो है आंसर, जो कोफिशेंट्स हैं वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल सेम आ गया एंड द रिमाइंडर इज 0। सो द स्केयर रूट विल बी दिस क्वेश्चेंट एंड एट द एंड आप लिखना है विद प्लस माइनस x over y माइनस 5 प्लस y over x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। आपने वैल्यू k की फाइंड करनी है, हेयर इसके इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है कि आपका जो आंसर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसका स्क्वायर रूट का रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो स्क्वायर रूट का रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस किए बाय डिवीजन मेथड, इसको भी बाय डिवीजन मेथड ही आपने सॉल्व करना है। एंड पे थोड़ा डिफरेंट होगा ये। तो एक्स फोर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स फोर बन जाएगा, साइन चेंज करेंगे कैंसिल, माइनस 4x³ प्लस 10x² माइनस kx प्लस 9। इसके आगे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से प्लस करेंगे तो ये बनेगा 2x². अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 2x² है और आपने बनाना क्या है माइनस 4x³। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x² और 2 को 4 बनाना है। तो पहले तो नंबर देखें, 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि यहाँ माइनस साइन भी है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 2x से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने तो ये बनेगा माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 4x². तो इट मीन्स यहाँ पे एक माइनस 2x रखना है आपने, एक ऊपर माइनस 2x, तो ये बनेगा माइनस 4x³ प्लस 4x². ये कैंसल आउट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x² माइनस kx प्लस 9। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2x² माइनस 2x एंड माइनस 2x इज माइनस 4x और इसको आपने यहाँ पे 2x² माइनस 4x आपके पास मौजूद है और आपने इस 2x² का 6x² बनाना है। मीन्स यहाँ का फर्स्ट नंबर 2x² है और आपने इसको 6x² बनाना है। तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी प्लस 3 लिखेंगे, जो इसके साथ साइन होगा वही ऊपर वाले के साथ सिग्नेचर आएगा। तो 3 टाइम्स 6x² माइनस 12x प्लस 9। तो यहाँ पे 1 + 3 यहाँ आ जाएगा और 1 + 3 ऊपर, तो ये बचेगा 6x² माइनस 12x प्लस 9। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, आपके पास यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो ये बचता है माइनस kx प्लस 12x। अब क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर, जैसे आपने पहले देखा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपका क्या हुआ था कि रिमाइंडर 0 आ गया था और आपका आंसर आ गया था, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया
क्या कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए. इट मींस रिमाइंडर शुड बी जीरो फॉर परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो इसका रिमाइंडर बचा है माइनस के एक्स प्लस 12x इक्वल टू जीरो रख देना है, और यहाँ से आपने k की वैल्यू निकालनी है. तो ये माइनस के एक्स आ जाएगा इक्वल टू माइनस 12x, और x कैंसिल हो जाएंगे तो k इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल होगा, k इक्वल टू 12 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ l एंड m फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया उसमें आपने वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी थी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने दो जो है अननोन्स फाइंड करने हैं l और m. तो यहाँ पे वही डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे. x4 बनाने के लिए x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x4 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस lx प्लस m. और अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, इसको ऐड करना नहीं भूलना. अब 2x स्क्वायर को आपने बनाना है 4x क्यूब, तो ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और बनाना इसको क्या है 4x क्यूब. सो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x स्क्वायर को x क्यूब बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको ऐड भी करेंगे, जो यहाँ साइन होगा वही. तो 2 टाइम्स 4x क्यूब आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स 4x x टाइम्स x स्क्वायर. तो एक 2x यहाँ लगा लेते हैं और एक 2x ऊपर, तो ये बनेगा 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर. ये कैंसिल, 16 माइनस 4 12x स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम. और l को आपने इस तरह ही लिखना है, इस तरह लिखना कि 1 लगे, एल एक्स प्लस एम. अब ये आ गया 2x स्क्वायर, जो इसका डिवाइजर आएगा वो आएगा 2x स्क्वायर 2 एंड 2 4x. अब इसमें कुछ ऐसे आपने ऐड करना है, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस 4x, और 2x स्क्वायर को बनाना क्या है 12x स्क्वायर. तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 के साथ, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऐड भी करेंगे, 62 टाइम्स 12x स्क्वायर प्लस 64 टाइम्स 24x प्लस 66 टाइम्स 36. सो यहाँ पे एक 6 यहाँ पे आएगा प्लस 6, एक ऊपर 6 जाएगा प्लस 6, और यहाँ पे आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36. इसके साइंस चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे. तो यहाँ पे इसको हम जैसे साइन है उनके साथ ही लिख लेंगे, एल एक्स माइनस 24x प्लस एम माइनस 36. और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर ज़ीरो आता है, तो इसका आपने रिमाइंडर ज़ीरो रखना है. सो एल एक्स माइनस 24x इक्वल ज़ीरो एंड एम माइनस 36 इक्वल टू ज़ीरो. ये जो है अलग अलग ज़ीरो होंगे, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं उनको जब हम अलग अलग करते हैं, जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो तब बनता है जब हम इनको एक जैसे फ्रैक्शन को कैंसिल आउट करते हैं. इसलिए ये अलग से ज़ीरो होगा, ये अलग से ज़ीरो होगा. यहाँ पे इसको वैल्यू निकालेंगे एल की, तो ये आ जाएगा एल एक्स इक्वल टू 24x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और एल आ जाएगा 24. इसी तरह एम माइनस 36, ये माइनस 36 वहाँ जाके प्लस 36 हो जाएगा और m इक्वल टू 36 आंसर आ जाएगा. तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट नंबर 2 भी सेम इन लाइंस पे होगा. तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप सेकंड पार्ट भी जरूर ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 3 का भी फर्स्ट पार्ट जरूर ट्राई करें. सो थैंक यू सो मच.